मैं सीता देवी विज्ञान केंद्र ग्रुप हब स्कूल से क्लास 5 में मैथ में फर्स्ट चैप्टर जो कि रिवीजन होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं उसमें से दो तीन टॉपिक मैं आप लोग के पास लेके आई हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा कि हर सवाल को समझ सके और अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और अगर कहीं कुछ दिक्कत परेशानी होता है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, घर में बड़े हैं, मम्मी या पापा है, जिससे जिससे भी हो आप हेल्प लेके उसको पूरा बनाइए और इसका ध्यान पूर्वक आप इसको समझिए। रिवीजन चैप्टर में चूंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो मैं यहाँ पे कुछ ही टॉपिक को ले आई हूँ। फर्स्ट है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग मल्टीपल मेथड्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ए में दिया हुआ है 10। देखिए यहाँ पे ये इसका फ्रैक्शन निकालना है और मतलब 10 है तो हमको ये इसमें ये अंक बताना है, ज्ञात करना है कि जो 10 जो है वो किस किस संख्या से मेरा विभाजित होता है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि 1 जो है वो किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है, 10 है तो यहाँ पे 1, 2, 5, 10 इस अंक से 10 जो है वो विभाजित कर रहा है हर पूरी पूरी तरह से। उसके बाद फिर आपका आ रहा है यहाँ पे ट्वेंटी फोर में उसी मेथड का इस्तेमाल किया गया है। पहले 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 ये संख्या 24 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। सबसे पहले 1 लिए है, उसके बाद 2 है क्योंकि अंतिम अंक क्या है मेरा यहाँ पे इवन नंबर है, उसके बाद 3 से विभाजित होता है क्योंकि 4 और 2 6, 6 3 से कटने वाला है विभाजित होने वाला है इसे 3 हुआ। उसके बाद 4 लिए हैं और उसके बाद 6, 6 यहाँ पे क्यों लिया गया है क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है इसलिए 6 आया। उसके बाद 8 और 8 के बाद 12 और 24 तो ये आपका इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे जितने भी सवाल है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 में आइए तो इसमें आप देखिए इसमें क्या है आपका कंप्लीट द फैक्टर्स फैक्टर ट्री एंड एक्सप्रेस। इसको क्या है आपको प्राइम नंबर से इस ट्री को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 72, तो हमको 72 को ऐसे 2 अंक में डिवाइड करना है जिससे पूरा पूरा मेरा गुणनफल आ जाए। तो यहाँ पे 8 into 9 अब हमको 8 को दोबारा 2 बराबर भागों में बांटना है वही प्राइम फैक्टर से, तो यहाँ पे 2 into 4। उसके बाद 9 को दो भाग में बांटना है तो 3 into 3। उसके बाद यहाँ पे 4 आ रहा है तो 2 into 2। इस तरह से आपको इस सवाल को सॉल्व कर लेना है और भी एक सवाल से दिया हुआ है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से आप इसी मेथड का उपयोग करके आप आगे और बढ़िएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा आ रहा है यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब छोटा रूप, किसी भी भिन्न का छोटा रूप आपको करना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉक्स भरा हुआ है, इसमें खाली जो आपका आएगा उसको आपको भरना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसको कटिंग करते हैं, 63 है यहाँ पे तो हम 3 से काटे, 3 दूनी 6 और 3 एक 3, 3 दूनी 6 यहाँ पे क्योंकि 7 है तो एक इसके आगे आ गया 12 हो गया तो 3 6 12। फिर 3 से काटे हैं 3 7 21 7 8 14। तो इसमें आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब आप आगे की ओर समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में आपको क्या करना है,
कंप्लीट यूज मतलब चिन्ह देना है बड़ा का, छोटा और बराबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर देन, यस है और इक्वल। तो कोई भी भिन्न दिया हुआ हो तो कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको आपको बनाना है। लेकिन चूंकि देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है जो आंसर है जो डेमेटर है वो इक्वल है, वन डेमेटर जो है वो 2 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 मतलब एक वस्तु को दो बार भागों में बांटना है और यहाँ है 1/6 तो एक वस्तु को यहाँ पे 6 भागों में बांटना है। तो जाहिर सा बात है कि इसका जो है खंड जो है टुकड़ा है छोटा हो जाएगा और इसका बड़ा होगा। तो ये 1/2 जो है वो बड़ा हो गया। उसी तरह सेम प्रोसेस में आपका है बी में 7/7 और 5/7। यहाँ पे ऊपर का जो अंक है वो एक समान नहीं है और नीचे का अंक जो है वो बिल्कुल एक समान है, इक्वल है 7/7 है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि 7 वस्तु है और 7 ही लोगों के बीच में बांटना है। यहाँ पे 5 वस्तु है 7 लोगों के बीच में बांटना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। इस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट जो है रिविजन पढ़ के क्वेश्चन 4 तक हम जो लिए थे वो समाप्त होता है। और नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं फिर पुनः आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए।